देखिए पाठ संख्या 11 विलोम शब्द। हमने विलोम शब्दों के बारे में जानकारी ली और इसके कुछ प्रश्न तो अभी आपने किए थे। आज इसी पाठ के कुछ बचे हुए प्रश्नों तक प्रश्न संख्या 8 इसमें तरुण शब्द का विलोम, इनमें से कौन सा है तरुण शब्द का विलोम, चारों में से ढूंढना है। 9 धवल शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, इनमें से ढूंढना है। और उसके बाद में है 10वां में बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं और सही विलोम शब्द को गोल घेरे में कीजिए, इस तरह से जैसे सही विलोम शब्द को गोल घेरे में किया है, तो आपको भी इनके सामने जो भी एक सही विलोम शब्द है उसको गोल घेरे में रखना है और इनको आप अपनी जो नोटबुक है उसमें भी करना है, जो सही उत्तर है वो करने के बाद में या पुस्तकालय के रूप में करने के बाद में इनको नोटबुक में भी लिखना है और वापस याद भी करना है। ठीक है, आज के कार्य के रूप में ये पुस्तकालय भी है और पुस्तकालय को आप इसको 10वें प्रश्न को अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे और इसके बाद इनको याद भी करेंगे। नोटबुक में जो करेंगे वह 10वें प्रश्न में से जो शब्द हैं उनके सामने जो सही शब्द आप इनमें से कर रहे हो उसी को लिखना है, सिर्फ तीनों ऑप्शंस नहीं लिखे, तीनों विकल्प नहीं लिखने, आपको सिर्फ वही विकल्प लिखना है इनके सामने। जैसे शांत, आप नोटबुक में लिखा शांत, तो इसके सामने इसका विकल्प जो सही है विलोम शब्द वाला अशांत, वही लिखना है केवल। जैसे अमृत, अमृत का सही विलोम शब्द जो भी होगा उसी को लिखना है, बाकियों को नहीं लिखना है नोटबुक में, जो सही होगा इसका उसी को लिखना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही और इनको याद भी करना है।